हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोलकर बॉलीवुड के साथ, और चलिए लेकर आई हूं गौहर खान की अपडेट। जी हां, जैसे ही हम सब जानते हैं, गौहर अपनी ट्वीट की वजह से बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है और बहुत दिन से लोग ये मिस कर रहे थे, क्योंकि बिग बॉस शुरू हो और गौहर का ट्वीट ना शुरू हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब बेचारी उस ट्वीट कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो तो घर के अंदर थी, क्योंकि खुद वो सीनियर कंटेस्टेंट की तरह घर के अंदर थी। बहुत सारे उन्होंने एक तरह से लोगों को बहुत गाइड किया था, बहुत अच्छी तरह उन्होंने गेम खेलना सिखाया था, स्टैंड लिया था, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट हो, चाहे फेयर गेम खेलने की बात हो, चाहे बिग बॉस से लड़ना हो, ये तो सारी चीज उन्होंने किया था। पर जब तक गौहर घर के अंदर थी, सारी बातें बहुत अच्छी चल रही थी, लोग उन्हें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे। पर गौहर को एक चीज घर के अंदर भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि भैया, जब पसंद करने की बात आई तो लोगों ने हिना खान को पसंद किया और गौहर को स्वीट बोल के भी कोई उनके ग्रुप में नहीं आना चाहा। पर गौहर और हिना ने आखिरकार टाइप करके ये बात साबित कर दिया कि गर्ल पावर क्या होती है। वेल, ये तो मैं नहीं बोलूंगी, ना सिद्धार्थ शुक्ला को गुस्सा आ सकता है। वेल, अब चाहे जो भी हो, पर इस बात पे सबसे बड़ी बात ये हो चुकी है कि गौहर के घर में रहने से एक दिन पहले ही जब वो निकलने वाली थी, पवित्रा ने कुछ ऐसे कमेंट कर दिया था जिसे जब एक तरह से गौहर बाहर आई तो उन्होंने उसका रिप्लाई जम करके दिया। मतलब पवित्रा ने जिस तरह से उनकी एक तरह से बात कही थी कि काफी गालियां दिया था उन्होंने, उनको काफी अब्यूज किया था, बाकी सारी बातें बोली थी, उस पर जब गौहर ने ट्वीट किया तो उन्होंने उस ट्वीट में कुछ भी उनके बारे में बुरा नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लिखा है। उन्होंने बोला है कि अगर एक औरत को आवाज दी है तो उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है। पर ये तो जो ट्विटर चीजें होती हैं, ये गौहर की तरफ से तो अभी शुरुआत है, क्योंकि अपनी सोच, अपने मुद्दे, अपनी चीजें, या उनके बारे में बात चली है, किसी और के बारे में बात चली, वो हमेशा खुल के बात करती है। और ऐसा गौहर ही नहीं है कि भैया गौहर को ही कहा जा रहा है। राहुल वैद्य की जब आज बात हुई थी एक टास्क के दौरान, उन्होंने भी ये बात कहा कि पवित्रा को जब एक तरह से रेटिंग देनी थी किसी को, तो उन्होंने सबसे ज्यादा रेटिंग सिद्धार्थ शुक्ला को दिया, जबकि वो सीनियर्स थे। चलो, बात समझ में आती है कि चलो अपने सिद्धार्थ को दे दिया खुश करने के लिए, पर वो भी डिजर्व नहीं करते थे। उसके अलावा अभिनव शुक्ला को अगर देने की बात है, तो भैया वो 7.5-6.5 कहां से डिजर्व करते थे, जबकि हम क्या ऐसी बकवास है, हमें भी दे सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं अब सीनियर्स के निकलने के बाद जो अभी कंटेस्टेंट थे, उनका धीरे धीरे रवैया तो कहीं ना कहीं बदलना है ही भैया, क्योंकि जिस तरह का गेम उन्होंने खेला था, भले ही जाते हुए लोग काफी ज्यादा रोए हैं कि हम अपने सीनियर से अलग हो रहे हैं, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा गाइड किया था, पर पीठ के पीछे बात तो जरूर होती है, क्योंकि चाहे जो भी हो, वो कैप्टन, वो एक तरह से कैप्टन की तरह ही घर के अंदर थे कि वो जो भी कहेंगे वो आपको मानना पड़ेगा। आप उनके मुंह पे जाके तो बोल नहीं सकते आप ये गलत कर रहे हो, जैसे रूबीना नॉर्मली करते हुए नजर आई थी। पर जैसा भी हो, अब उनके निकलने के बाद घर में चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, बहुत लोग उन्हें मिस कर रहे हैं, बहुत लोग उनके पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं। पर गौहर को लेकर जो पवित्रा ने जिस तरह की बातें की थी, गौहर ने उसका जमकर जवाब दिया है। अभी गौहर की तो शुरुआत है ट्विटर की बॉस, क्योंकि इसके आगे तो वो बहुत सारी सोच अपनी खुलकर ट्विटर पे रखेंगी। तो ये था गौहर को लेकर मेरी अपडेट्स। अब मैं गौहर नहीं कह सकती, मैं कह सकती दोनों कैप्टन को लेकर मेरी, ये दोनों सीनियर्स को लेकर मेरी एक्सक्लूसिव अपडेट थी। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और गौहर का ये जो ट्वीट था पवित्रा के लिए, वो आपको कैसा लगा ये भी मेंशन कीजिएगा। और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोलबुल बॉलीवुड के साथ।